अजी, मेरा बेटा कहाँ गुम हो गया? इतने बड़े जंगल में हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? आप कुछ तो करो ना, मेरे बेटे को ढूंढ लो ना। अरे भगवान, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ, पर इस बारिश के वजह से उसे ढूंढने में बहुत परेशानी हो रही है। उसकी गंध मुझे नहीं मिल रही। कुछ समय पहले एक हाथी का परिवार बारिश के मजे लेते हुए जंगल में घूम रहा था। हाथी के बच्चे का नाम नंदू है। वो बहुत नटखट और खेलकूद करने वाला हाथी है। उसे नए नए चीज़ों के बारे में जानने की बहुत रुचि थी। हाथी का परिवार नदी के पास से गुजर रहा था, तभी नंदू का उस पानी में खेलने का बहुत मन हुआ। माँ, क्या मैं उस पानी में खेलने जाऊँ? हाँ बेटा, खेल लो, पर ज़्यादा अंदर तक मत जाना। नंदू नदी के पानी में खेलने के लिए चला जाता है। उसे पानी में खेलना अच्छा लग रहा था, तभी उसे पानी में एक मछली दिखाई दी। वो उस मछली के पास जाने लगा। उसे देखकर मछली गहरे पानी में चली गई। अचानक नंदू उस गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। वो डर के मारे चिल्लाने लगा, मम्मी पापा मुझे बचाओ। बारिश के कारण नदी का पानी बढ़ चुका था, इसलिए वो नदी के दूसरी तरफ बहता चला गया। बेटा घबराओ मत, हम तुम्हें बचा लेंगे, ऐसा कहकर दोनों पानी के अंदर चले गए। परंतु पानी का भाव इतना ज्यादा था कि दोनों दूसरी तरफ बहने लगे। थोड़ी ही देर में नंदू उनकी नजरों से ओझल हो गया। नंदू पानी से बाहर आ गया और अपने मम्मी पापा को देखने लगा। उसे दोनों कहीं पर दिखाई नहीं दिए। तभी एक शेर जंगल में घूम रहा था। नंदू उसे देखकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। पानी पीकर शेर जंगल में चला गया। नंदू शेर के डर से जंगल की दूसरी तरफ जाने लगा। जैसे कि दो दिन से जंगल में बहुत तेज बारिश चल रही थी, भूख के मारे सारे पंछियों का बहुत बुरा हाल हो रहा था। जिन पंछियों के पास राशन पानी जमा था, उन्होंने तो अपना पेट भर लिया, परंतु जिन पंछियों के पास राशन नहीं था, वो बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। जंगल में सब तरफ सिर्फ पानी ही पानी हो गया था। ऊपर से बड़ी ठंड भी पड़ गई थी। तेज हवा का झोंका आता तो ठंड से पक्षी कपकपाने लगते। सारे पंछियों के घोंसले भी भीग चुके थे। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा ही छाया हुआ था। आवाज़ आती भी तो बारिश के बूंदों की पत्तों पर गिरने की और बिजली कड़कने की। इधर लाडो चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठी थी। घर का सारा अनाज खत्म हो गया है, मुझे मेरे बच्चों की चिंता हो रही है, अब मैं क्या करूं? भूख के मारे लाडो के बच्चों का बहुत बुरा हाल हुआ था। ऊपर से बच्चों ने जीवन में पहली बार बारिश देखी है। जब भी बिजली कड़कती, बच्चे अपनी माँ के पास जाकर बैठते, और जब बिजली कड़कने की आवाज़ बंद हो जाती तो दरवाजे पर जाकर बारिश को देखने लगते। दरवाजे में बैठकर आसमान से बारिश देखना बच्चों को बहुत अच्छा लगता। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ बेटा, रुक जाओ, मैं अभी कुछ खाने को लेकर आती हूँ, ऐसा कहकर लाडू दरवाजे पर जाकर बैठ गई। बच्चों, जब तक मैं नहीं आती तब तक घोंसले से बाहर मत जाना, बाहर बहुत खतरा है। हाँ मम्मी, हम नहीं जाएंगे। और हाँ सोनू, तुम अपने छोटे भाइयों का ख्याल रखना, मैं जल्द ही वापस आती हूँ। लाडो तेज बारिश में वहाँ से निकल गई। उसे अपने बच्चों की भूख जो मिठानी थी। अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कहाँ पर अनाज मिलेगा? थोड़ी देर सोचने के बाद उसके मन में एक विचार आया। मैं ऐसा करती हूँ, कालू के पास चली जाती हूँ, कालू भैया मेरी अवश्य मदद करेंगे। कालू कौवे का घोंसला तो बहुत दूर है, इस बारिश में मैं कैसे जाऊँ? कैसे भी करके मुझे इस बारिश में जाना ही पड़ेगा, वरना मेरे बच्चों को भूखा ही सोना पड़ेगा। ऐसा विचार करके लाडो चिड़िया कालू कौवे के घोंसले की तरफ निकल पड़ी। वो बहुत भीग रही थी। आखिर लाडो भीगती हुई कालू कौवे के घोंसले के पास आ ही गई। कालू कौवा अपनी बीवी गोरी कौवे के साथ घोंसले में बैठा हुआ था। कालू जी, ये बारिश कब खत्म होगी? मेरा तो जंगल में घूमने का काफी मन कर रहा है, दो तीन दिन हो गए हम घोंसले से बाहर ही नहीं गए। तुम परेशान क्यों होती हो गोरी, तुम अकेली थोड़ी हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ,
और रहा सवाल बारिश का, अगर बारिश ही नहीं होगी तो जंगल में अकाल पड़ जाएगा। वैसे भी मैंने 8 दिन तक चले उतना अनाज तो जमा कर ही लिया है, और 2-4 दिन तक बारिश चलती भी रहे तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। उन दोनों में बातें चल ही रही थी तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कौन है? कालू भैया, मैं हूँ लाडो चिड़िया। अरे, ये मनुष्य चिड़िया क्यों आई है यहाँ पर? ये जरूर हमसे कोई मदद मांगने के लिए आई है। ये तो ये अपने पति को छोड़कर अकेले रहती है और ज़रूरत पड़ने पर हमसे मदद मांगने के लिए आ जाती है। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कालू जी, अगर आज से आपने इसकी कोई मदद की तो मैं आपको छोड़कर मेरे मायके चली जाऊँगी। अरे, पहले मुझे देखने तो दो, वो आखिर यहाँ पर क्यों आई है? ठीक है, जाओ देख लो। कालू भैया, मैं बाहर भीग रही हूँ, जल्दी से दरवाज़ा खोलिए। हाँ हाँ, अभी आया, रुको। कालू ने घोंसले का दरवाज़ा खोल दिया। अरे लाडो, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लगता है बहुत ज़रूरी काम है, तभी तो तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ आई हो। हाँ कालू भैया, बहुत ज़रूरी काम है। लाडो, तुम पहले अंदर आ जाओ, तुम बाहर भीग रही हो। लाडो घोंसले के अंदर आ जाती है। कहो लाडो, क्या बात है? जी कालू भैया, मैंने जो अनाज जमा किया था वो सब खत्म हो गया है। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, अगर आप मुझे थोड़ा अनाज दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती। तभी गोरी कौवे ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारे घर तो अनाज के ढेर लगे हैं और कालू ने तुम्हें बहन जो मान लिया है, इसलिए हमें हर हाल में तुम्हारी मदद करनी ही पड़ेगी। गोरी, तुम जरा चुप रहोगी, जाओ अंदर, अपना अपना काम देख लो। गोरी गुस्से में अंदर चली जाती है। अरे लाडो, मांगने की क्या ज़रूरत है? तुम गोरी की बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो, आखिर ये तुम्हारे भाई का घर है, तुम जितना चाहो उतना अनाज यहाँ से ले जा सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कालू भैया, मुझे सिर्फ 1 दिन का अनाज चाहिए बस। मैं बारिश रुकने के बाद आपको आपका अनाज वापस लौटा दूंगी। बस कर पगली, अब रुलाएगी क्या? रुको, मैं अनाज लेकर आता हूँ। कालू लाडो चिड़िया को अनाज दे देता है। कालू भैया, अब मैं चलती हूँ, बच्चे घर पर अकेले हैं। लाडो अपने घोंसले की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में उसे नंदू के माता पिता दिखाई दिए। लाडो उन्हें देखते देखते अपने घोंसले की तरफ जाने लगी। इधर नंदू भटकते भटकते लाडो चिड़िया के घोंसले के पास आ गया। उसने देखा कि चिड़िया का घोंसला तेज हवा के कारण हिल रहा था। बच्चे अंदर डरे हुए थे, उन्हें अपने माँ का इंतजार था। थोड़ी देर बाद घोंसला हिलना बंद हो गया। अरे भैया, ये अचानक से घोंसला हिलना कैसे बंद हो गया? क्या पता, लगता है घोंसला नीचे गिर गया है। नंदू को लगा कि चिड़िया का घोंसला तेज हवा से नीचे ना गिरे, इसीलिए उसने लाड़ो के घोंसले को एक कटे पेड़ पर रख दिया। नंदू ने देखा कि पास वाले एक पेड़ पर एक और चिड़िया का घोंसला हिल रहा था। उसने उस घोंसले को अच्छी जगह पर रखने की सोच ली। जैसे ही उसने घोंसले को पकड़ लिया, घोंसला हिलना बंद हो गया। घोंसले के अंदर मीनू मौसी बैठी हुई थी। वो बाहर आकर देखने लगी, उसे एक हाथी का बच्चा दिखाई दिया। अरे हाथी के बच्चे, ये क्या कर रहा है तू? छोड़ दे मेरे घोंसले को। अरे चिड़िया मौसी, आपका घोंसला तेज हवा के कारण बहुत हिल रहा था, मैंने सोचा कि इसे अच्छी जगह पर रख दूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मेरा देख लूँगी, चला जाए यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ठीक है मौसी। नंदू दूर जाकर खड़ा हो गया और अपने मम्मी पापा को याद करते हुए रोने लगा। मम्मी पापा, आप कहाँ पर हो? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। तभी लाडू चिड़िया उसके घोंसले के पास आ गई। पर ये क्या, उसका घोंसला तो वहाँ पर नहीं था। तेज हवा चल रही थी, घोंसला ना दिखने पर वो बहुत डर गई। उसे अपने बच्चों की चिंता होने लगी। तभी नंदू लाडू चिड़िया के पास आ गया। अरे चिड़िया रानी, घबराओ मत, तुम्हारा घोंसला सही सलामत है,
उसे मेरे कटे पेड़ पर रख दिया है। वो तेज हवा के कारण नीचे गिरने वाला था। लाडू जल्दी से घोंसले के अंदर चली गई। उसके बच्चों को सही सलामत देखकर वो बहुत खुश हो गई। वो नंदू के पास चली गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया छोटे हाथी। अगर तुम नहीं होते तो घोंसला अवश्य नीचे गिर जाता। पर तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो? जी, मैं मेरे मम्मी पापा से बिछड़ गया हूँ। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। अरे रो मत नन्हे हाथी, मैंने अभी अभी तुम्हारे मम्मी पापा को यहाँ पर ही देखा है। क्या क्या सच में? चिड़िया रानी, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ हाँ, मैंने उनको पास में ही देखा है। क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकती हो? हाँ जरूर, आओ मेरे पीछे पीछे, वो ज़्यादा दूर तक नहीं गए होंगे। गंगा मौसी बारिश में अपने घर की तरफ जा रही थी। उसके सामने से नंदू के माता पिता जा रहे थे। नंदू नंदू नंदू, कहाँ पर हो बेटा तुम? आ जाओ अपनी माँ के पास। उन दोनों की बात घूंगा मौसी सुन रही थी। दोनों आगे चले गए। घूंगा मौसी फिर से अपने घर की तरफ निकल पड़ी। तभी लाड़ो चिड़िया नंदू को लेकर घूंगा मौसी के पास आ गई। अरे लाड़ो, तुम इतनी बारिश में यहाँ कैसे? और ये हाथी का बच्चा तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? इसका नाम नंदू है। ये अपने माता पिता से बिछड़ गया है। क्या आपने इसके माता पिता को कहीं पर देखा है? हाँ हाँ, मैंने अभी उन्हें पश्चिम की ओर जाते हुए देखा है। तुम जल्दी से जाओ, वो तुम्हें मिल जाएंगे। नंदू खुशी के मारे इधर उधर भागने लगा। उतने में ही गूंगा मौसी का घर उसके पैरों के नीचे आकर टूट गया। अरे ये क्या हो गया? मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, मैं इसे फिर से बना लूंगी। नहीं मौसी, मुझसे गलती से आपका घर टूट गया। मैं अभी इसे ठीक कर देता हूँ। नहीं बेटा, इसे मैं कर लूंगी। तुम पहले अपने माता पिता से जाकर मिल लो। घर क्या, बाद में भी हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मौसी। शायद मैं मेरे बेटे से कभी मिल भी पाऊंगी या नहीं। वो दोनों निराश होकर बैठे थे। तभी लाड़ो चिड़िया नंदू को लेकर उन दोनों के पास आ गई। आखिर नंदू अपने माता पिता के पास पहुंच ही गया। ओह मेरे बेटे, कहाँ पर चले गए थे तुम? माँ, इस चिड़िया रानी ने मेरी बहुत मदद की। तुमने हमारी बहुत मदद की है। जिंदगी में अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बेझिझक हमारे पास आ जाना। अरे ये क्या हो गया? अच्छा होता मैंने उस हाथी की बात मान ली होती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।